एंड वेलकम टू बॉलीवुड रीटेक बाय देसी रायता. वेल वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज हम एक आइकॉनिक कपल को इन एक्शन देखेंगे, गोविंदा और रवीना एट देयर थिरक थिरक बेस्ट. गाना है 1998 की बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म से किसी डिस्को में जाए. आइकॉनिक गाना है यार. पिक्चर में ये गाना प्रकट होता है फ्रॉम नोवेयर, बिल्कुल रैंडम, लेकिन हम बहुत खुश हैं क्योंकि गोविंदा इज एट हिज गोविंदाइश बेस्ट एंड रवीना इज लुकिंग हॉट. तो बॉलीवुड रीटेक शुरू करने से पहले ही बदतमीजी की माफी मांगता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रवीना और गोविंदा की शक्लों पर स्पेशल अटेंशन दीजिएगा. द एक्सप्रेशंस आर प्राइसलेस. विजू शाह ने गाने का म्यूजिक दिया है और इसका श्रेय इन्हीं को देना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स वांट्स टू बी ब्लेम फॉर इट. विजू शाह के नाम पर एक बार फिर. और नजाकत देखिए इस गाने में, ज्यादा टची फील नहीं है इसमें, इट्स सो क्लीन. गोविंदा और रवीना अपने दिन को प्लान कर रहे हैं, बस दे आर गुड फ्रेंड्स, द चीक्स डोंट इवन टच. और जैसे ही लड़की ने ज्यादा टची फीली की, गोविंदा को बुरा लग गया और पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने अपने दांत दिखाए. अरे गोविंदा जी, सिर्फ लड़की ने नहीं देखे, पूरी दुनिया ने देखे. चेक आउट द स्माइल बेबी. डेविड धवन से एक दिन मैं जरूर पूछूंगा कि ये थंब फाइट का सीक्रेट सिग्निफिकेंस क्या था, तो कोई मीनिंग था इसके पीछे, बिकॉज रवीना बिचारी को डेफिनेटली समझ में नहीं आया. इस गाने में एक्चुअली सच्चाई है, गोविंदा इज बीइंग हिमसेल्फ. वो माचोगिरी नहीं दिखा रहे हैं, वो रवीना के भाई से डरते हैं और साफ साफ कह रहे हैं, भाई प्रश्न ये है कि इतना हंसते हुए क्यों कह रहे हैं. इस अगले सीक्वेंस में बेचारे शूटिंग देखने वालों के मानसिक संतुलन पर जो असर पड़ा होगा, ये दोनों तो इंडिया के WMDs हैं यार, मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. अब इस हिस्से के बारे में क्या कहें, फिजिक्स के फंडे समझाता है ये, इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ एंड व्हाट नॉट. भाई जिसने भी ये शर्ट चूज करी थी ना, पहले तो उसको जेल में डालो यार. जो बड़ी स्पेशल कोरियोग्राफी करी है ना, इसका मुझे एक ही मतलब समझ में आता है. लड़की लड़के से कह रही है कि तेरे ऊपर वाले माले में ना कुछ नहीं है, और लड़का लड़की से कह रहा है, हाँ यू आर राइट, सारा तेरी कमर में घुस गया ना. एंड अगेन. और फिर एंट्री होती है बेचारे बड़े भैया की, लेकिन बजट कम होने के कारण इस फिल्म में कोई लड़की नहीं मिली इन्हें. फाइनली ही इज डन इट, थम्स अप इस जोड़ी को मिला और पिक्चर को भी. इट वॉज द सेकेंड हाईएस्ट अर्नर ऑफ द ईयर और आज तक हमारे दिल और दिमाग पर डिस्को की मार्केटिंग कर रही है. वेल वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस दुकान को और बढ़ावा दें. मिलेंगे जल्द ही विद अनदर बॉलीवुड रीटेक.